तीन सूत्री मांगों को लेकर राहतगढ़ के कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आज सागर जिले के राहतगढ़ में कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन सागर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें कांग्रेसियों ने तीन सूत्री मांगे जिले के कलेक्टर के सामने रखी हैं। ज्ञापन में बताया गया कि मतदाता सूची में जो अवैध नाम जोड़े गए हैं उनको हटाया जाए और वास्तविक नाम सूचियों में जोड़े जाएं। साथ ही नगर के प्रमुख चौराहों पर निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। ज्ञापन के दौरान जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह लोधी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, शहर अध्यक्ष फहीम कुरैशी सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे। मोदी जी को ज्ञापन दिया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव की 2020 की इन्होंने नगरीय निकाय की सूची बनाई है। इससे हम कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में वोटिंग जोड़ने का प्रावधान ये बोल रहे हैं अधिकारी वर्ग और निर्वाचन आयोग। हमने 2021 में जो अभी नाम आए हैं वो अवैध रूप से 2000 लगभग वोट यहाँ ग्रामीण लोगों के जुड़े हैं और इतने ही लोग जो वैध तरीके से रह गए हैं उनके नाम जुड़ना अनिवार्य है। तो हम शासन प्रशासन से कलेक्टर महोदय जी से विनम्र निवेदन आग्रह करते हैं कि शीघ्र ही ये नाम जोड़े जाएं। और हमारी और भी जो तीसरी मांग है वो 2014 में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था वार्ड बाई वार्ड, तो उन वार्डों के आधार पर तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव ग्रामीण में हैं, जो बाहर चले गए हैं, जो भोपाल हैं और जो अन्य वार्डों में हैं, तो उनके जांच कराकर जो जिस वार्ड में परिसीमन के आधार पर रह रहा है उसी वार्ड के अंदर उसका वोट आना चाहिए, ये अनिवार्य है। और हमारी एक मांग है सीसीटीवी कैमरे पूरे मोहल्लों में जो तमाम अवैध रूप से काम करते हैं लोग वे लगाए जाएं ताकि जो निर्दोष लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें चौराहों पे और वहाँ से जाओ। तो ये हमारी नगर परिषद के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि हम लोग पार्षद थे इससे पहले भी ये पूरे नगर के अंदर चौराहों पे ये स्वीकृति थी, आज दिनांक तक नहीं लगी। तो मैं माननीय SDM महोदय जी के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शीघ्र ही ये हमारी मांगें पूरी करी जाए, अन्यथा 4 दिवस के अंदर नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ऊपर तक जाएंगे।